हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और सपा नेता जया बच्चन का गुस्सा तो आपने जरूर देखा होगा। सोशल मीडिया पर उनके ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें जया गुस्से से लाल नजर आ रही हैं। मीडिया को देखते ही आग बबूला हो जाने वाली और फिर कुछ भी बोल देने वाली जया अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। उनका गुस्सैल रवैया लोगों को पसंद नहीं आता और इसीलिए उनकी खूब आलोचना होती है। लेकिन अब एक बार फिर जया सबके निशाने पर है। हालांकि इस बार जया ने किसी पर गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अपनी नातिन नव्या नवेली को ऐसी सलाह दे दी कि लोग भड़क गए। दरअसल जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता और नातिन नव्या के साथ एक शो में पहुंची। यहाँ पर जया ने अपनी नातिन से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तुम बिना शादी के माँ बनोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलेशनशिप पर ज्ञान बांटने वाली जया ये भी बोल गई कि रिश्ता सिर्फ प्यार या भरोसे से नहीं चलता, बल्कि शारीरिक संबंध भी जरूरी है। हमारी उम्र में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब की जेनरेशन कर सकती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जया के इस बयान को शेयर करते हुए पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जया बच्चन ने रिलेशनशिप पर नातिन को दिया ज्ञान, कहा तुम बिन शादी के माँ बनोगी तो भी दिक्कत नहीं, सिर्फ प्यार भरोसे से रिश्ता नहीं, शारीरिक संबंध जरूरी। हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की जेनरेशन करती है और क्यों ना करे। आप कितना सहमत हैं जया बच्चन की बातों से? शुभांकर के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जया बच्चन को तो ट्रोल किया ही, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की भी क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, जया बच्चन को देश की जनता क्या क्या बोलती है और इसके बारे में जनता के क्या विचार हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तो इस जया को बात करने की तमीज नहीं है। सीनियर बच्चन अपना अनुभव साझा करें, आपने इन्हें कैसे झेला जीवन भर। एक और यूजर ने लिखा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजाक है ये, भारतीय रिवाजों को सर्वोपरि मानने वाले अमिताभ बच्चन सर के क्या विचार हैं इस पर, हम सब जानना चाहेंगे। सीनियर बच्चन। एक और यूजर ने लिखा, बच्चन परिवार के संस्कार और चरित्र सामने आ गया और मिस्टर बच्चन ट्विटर पर आकर ज्ञान बांटते रहते हैं। एक यूजर ने लिखा, उम्र के साथ परिपक्वता, गांभीर्य और समाज को संस्कारित बनाने की कोशिश बढ़ती है, परंतु जया बच्चन इसके विपरीत अपनी पीढ़ी में कुसंस्कार डालने की सलाह दे रही है। ऐसे लोगों की सलाह से अपने बच्चों को बचाएं, ये दानवी संस्कृति की प्रवर्तक बन गई है। एक और यूजर ने लिखा, माफ कीजिए, एक ब्रिलियंट कलाकार हैं जया बच्चन, मगर उनका संसद में श्राप वाला वक्तव्य, निष्ठुर सामाजिक व्यवहार, पत्रकारों के साथ चीखना चिल्लाना और अब अपनी नातिन को ये सलाह, मानसिक रूप से मुझे संतुलित लगी ही नहीं कभी। बहरहाल जया के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? और जया की जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, जया के बहाने अमिताभ बच्चन को लोग जिस तरह से घेर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।